हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था, द लिविंग वर्ड। उसी के साथ साथ हमने अपने सिलेबस के बारे में भी देखा था कि हमको 11th क्लास में बायो में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिलीटेड पोर्शंस हैं, ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा लिविंग वर्ड जो पढ़ रहे थे हम, उसमें हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ लिविंग, के लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो आज हमारा कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो इस टॉपिक में क्या बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट या सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, उन सब के अंदर एक एक्सीलेंट एबिलिटी पाई जाती है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए। दे हैव एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई के लिए रेस्पोंड कर सकते हैं। ये स्टिमुलाई के बारे में आपने चैप्टर नंबर 2 में 10th क्लास में भी पढ़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था हमने स्टिमुलाई के बारे में, है ना। अब कि जितने भी वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड करते हैं, मोस्टली वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या करेक्टर्स बताए हैं आपको, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स या कोई और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, वो रेस्पोंड कर सकते हैं। जैसे लाइट की ड्यूरेशन जो होती है इसको हम फोटो पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये फोटो पीरियड भी जो है वो बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करती है। लाइट का जो प्रभाव है वो इन सब पे पड़ता है, देखा है आपने, पढ़ा है, है ना। कौन से जैसे लाइट, जिनको ब्राइट लाइट चाहिए होती है, जिन फ्लावर्स को वो दिन में ब्लूम करते हैं जैसे सनफ्लावर, जिनको लो लाइट चाहिए होती है, मून लाइट वगैरह, वो रात को ब्लूम करते हैं, तो लाइट का इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो रेस्पोंड कर सकते हैं केमिकल्स के लिए भी जो उनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, इन सब में जो सुपीरियर है वो है ह्यूमंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उनके अंदर एक एडिशनल एबिलिटी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, इसीलिए क्या है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से सुपीरियर माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, वैसे ये कहना जब मुश्किल हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए, कि जब कोई भी लिविंग ह्यूमन बींग, स्पेशली कोई पेशेंट्स जो हैं वो अगर कोमा में हैं, मशीन्स के थ्रू उनकी लाइफ सपोर्टेड चल रही है, ऐसी कुछ सिचुएशंस जब आ जाती है तो जब उनके अंदर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो उस समय उनकी लिविंग स्टेट को डिफाइन करना क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, बाकी जो ये कॉन्शियसनेस है या रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है वो एक वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये भी एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट आता है, देखो कैरेक्टर वो है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन? देखो सेल्स जो होती हैं वो हर एक लिविंग थिंग्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमंस हों, सभी सेल से बने हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बनते हैं, आपको पता है। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बनते हैं। ठीक है, अब सेल्स जो होती हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलता है और सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जो कि सेवरल एक्टिविटीज़ जो होती है उनको सेलुलर लेवल पर परफॉर्म करते हैं, और उससे क्या होता है, विच रिजल्ट्स इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, वो उनको वेरियस लाइफ प्रोसेसेस उनके जरिए परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी भी हुई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशंस इन देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाई विच मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सेल्स जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आर फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं. फिर सेल कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट एंड सेल ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एट द सेलुलर लेवल एंड रिजल्ट इन टू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो थी वो है एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की. देखो फिर थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है, एक थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट आज वो बताई है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, यानी कि वो सेवरल कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ होल बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर. ठीक है, अब ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेवरल कंपोनेंट्स हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, और ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कि ये लिविंग भी हो सकते हैं जो लिविंग बॉडी को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं. ठीक है, अब अगर हम फिजिकल कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को देखें तो बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे सबसे कॉमन तो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये एग्रीगेट होते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है फाइनली सेल्स की फॉर्म में. हर एक सेल जो होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स से बनी होती है, जिसका हर एक सेल का अपना स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर फंक्शन होता है. अब ये सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं और टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली मैनी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज टिश्यू की होती है वो प्रॉपर्टी उस टिश्यू का जो कॉन्स्टिट्यूट है सेल उसके अंदर नहीं मिलती, जबकि कैसे अराइज होती है वो उन सेल के जो सेल कॉन्स्टिट्यूट से उनके आपस में इंटरेक्शन से अराइज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल बोन एक हार्ड टिश्यू है जो कि बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सेल उस बोन के अंदर प्रेजेंट होती है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. लेकिन ये जो फिनोमेनन है इंटरेक्शन का बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, उसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विच इनेबल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेल्फ रेप्लिकेट, इवोल्व, सेल्फ रेगुलेट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर एंसेस्टर्स हों, चाहे उनके डिसेंडेंट्स हों, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, आर लिंक्ड टू वन अनोदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेरिक मटीरियल, जेनेरिक या जेनेटिक मटीरियल को शेयर वो करते रहते हैं. कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में इन वेराइंग डिग्रीज, और ये डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक ट्रेट्स के एक्सप्रेशन के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो ये बताया है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी. लेकिन आपको मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर नोट आपको देना हो, जैसे क्वेश्चन आता है डिफाइन द वेरियस करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, तो उसके अंदर हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, ग्रोथ, सेकंड देखा रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हमने देखा कॉन्शियसनेस, फिफ्थ हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह से ही हमारे
पॉइंट हो गए। इसके अलावा ये जो भी हमने पढ़ा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो छः पॉइंट हमने देखे, इन छः पॉइंट के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट और डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो कि उसको क्या करते हैं, नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि शेप एंड साइज है, उसकी लाइफ साइकिल है, मूवमेंट है, सेल्फ रेगुलेशन है, वेरिएशंस हैं, अडप्टेशंस हैं, हीलिंग एंड रिपेयर है, एक्सक्रीशन है एंड डेथ है। ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ये भी किस में मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये जो हम पढ़ेंगे बायो का पूरा सिलेबस, वो बायो की हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे। इस तरह की NCERT की बुक होगी आप लोगों के पास, और नहीं हो तो आप अरेंज करें, इससे ही हमें पढ़ना है, जहाँ पर इसके अंदर, बुक के अंदर सब कुछ आपको क्लियर दे रखा है। जहाँ पर टॉपिक ऐसे होंगे कि बुक से ठीक से समझ नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे आपको नोट लिखवाते जाऊँगी, बाकी आपको सारा बुक से हो जाएगा। जैसे ये सारा मैंने आपको भी बताया है, सारा सब कुछ दे रखा है बुक के अंदर। ये देखो आप, रिप्रोडक्शन पूरा टॉप पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, मेटाबॉलिज्म सारा दे रखा है, ठीक है। इधर अभी आज बताया ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस वगैरह, ये सब कुछ आपको बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हमारा ये पहला फर्स्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ा, क्या था, वापस देखो आप, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसमें हमने 6 कैरेक्टर देखे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और है वो देखते हैं छोटा सा, वो है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आपको बताया है। देखो बायोडायवर्सिटी नॉर्मली क्या है, जो अर्थ है हमारी, द अर्थ होस्ट अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी अर्थ है उस पर वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे के अकॉर्डिंग, जो नंबर ऑफ स्पीशीज आज हम जानते हैं और जिसको डिस्क्राइब भी किया जा चुका है, विच रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 million से, ये जो नंबर है ये हमें नॉन बायोडायवर्सिटी के बारे में बताता है जो अर्थ पर मिलती है। वैसे जो एक्चुअल बायोडायवर्सिटी अर्थ पर प्रेजेंट है वो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, हो सकता है जिनके बारे में तो अभी तक हम जानते भी नहीं हैं। इसका मतलब बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि द टर्म बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मीन्स द एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो पूरे एंटायर नंबर या टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ पर मिलते हैं उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, सब इसके अंदर आते हैं बायोडायवर्सिटी के अंदर। बायोडायवर्सिटी जो है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है जहाँ तक कोई भी एक्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म के लिए ही लिमिट नहीं मानी जाती, लेकिन जैसे जैसे हम नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, इवन पुराने ओल्ड एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं, है ना, तो नए नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ऐड होते चले जाते हैं। तो ये जो ह्यूज अवेलेबल वैरायटी है उसको तो वैसे अभी स्टडी नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता है, ना आइडेंटिफाइड किया जा सकता है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जब तक हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हो क्लासिफिकेशन का या नोमेनक्लेचर का, तब तक हम इतनी ह्यूज बायोडायवर्सिटी को स्टडी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये क्लासिफिकेशन है और ये जो नोमेनक्लेचर है वो एक ह्यूज बायोडायवर्सिटी को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, है ना। तो यहाँ से अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, क्लासिफिकेशन एक तो क्या है, छोटा सा टॉपिक देखेंगे उसका, क्या नीड है या क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है या क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, और एक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो आया है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक यहाँ दे रखा है, ये बायोडायवर्सिटी का,
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मींस जो ह्यूज नंबर एंटायर नंबर है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ पर प्रेजेंट है, उनको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।